सो डियर स्टूडेंट, यहां पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस, राइट। इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है, उनमें से बताना है कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ओरिजिनेशन ऑफ वैंडरवाल फोर्स के। तो पहला ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब ये होता क्या है, ये होता है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल या फिर एटम है उसमें एक इंस्टेंट पे डायपोल क्रिएट होता है। तो एक इंस्टेंट पे डायपोल क्रिएट होता है, क्रिएट होगा तो यहां पे कुछ डेल्टा निगेटिव आ जाएगा और यहां पे कुछ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। और इंस्टेंट डायपोल के कारण जो उसके बगल में मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल बोलेंगे। तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आया है तो उसके कारण यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, डेल डेल पॉजिटिव मतलब थोड़ा सा कम आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, डेल डेल नेगेटिव, राइट। यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, यहां पे इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हुआ इसके कारण इंड्यूस्ड डायपोल हुआ दूसरे मॉलिक्यूल जो कि बगल में है, और इसके कारण यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे पॉजिटिव, तो इसमें क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, राइट। तो इसको ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। और इसको होता क्या, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जो कि लंडन फोर्स होता है, राइट। जो कि जनरली लंडन फोर्स किसमें होता है, हीलियम, जो कि नोबेल गैसेस में पाया जाता है, O2 N2 Cl2 टाइप के मॉलिक्यूल में पाया जाता है, राइट। तो ये एक टाइप का वैंडरवाल फोर्स है, राइट। तो पहला फैक्टर क्या है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो ये सही फैक्टर है जो कि वैंडरवाल फोर्स के ओरिजिनेशन में क्या है, एक फैक्टर है फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ वैंडरवाल फोर्स, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, राइट। बी ऑप्शन क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब ये होता क्या है, ये होता है जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर मीडियम में डाल दें तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होता है। जैसे कि सोल्युबिलिटी ऑफ नोबेल गैस इन वाटर, राइट। ये एक एग्जांपल है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन का। तो हम लोग देखते हैं जनरली क्या होता है, नोबेल गैस क्या होता है, नॉन पोलर है, और उसको जब वाटर में डाल देंगे जो कि पोलर है तो उसमें क्या हो जाएगा, सोल्युबल हो जाता है। वो क्यों होता है, ड्यू टू द डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, राइट। तो इसमें होता क्या है कि एक पोलर मीडियम है, पोलर मीडियम है तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। जब कोई नॉन पोलर मीडियम डालेंगे तो ड्यू टू द पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट या फिर इंडक्शन इफेक्ट, इसके कारण क्या हो जाएगा, यहां पे कोई डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, तो इसमें क्या होने लगता है, इंट्रैक्शन होने लगता है, राइट। तो यहां पे जो नोबेल गैस होता है वो वाटर में क्या हो जाता है, सोल्युबल, या फिर जो नॉन पोलर मीडियम है वो पोलर मीडियम से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है ड्यू टू द डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। और उसको एक नाम दिया गया है, वो क्या है, डीबाई फोर्स, राइट, डीबाई फोर्स, राइट। तो ये भी एक टाइप का क्या है, वैंडरवाल फोर्स के ओरिजिनेशन में एक बड़ा फैक्टर आता है, राइट। ये बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, राइट। तो यहां पे बी ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब सी ऑप्शन देखते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हम लोग देखते हैं पोलर 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 मीडियम में, राइट। कोई एक पोलर मॉलिक्यूल है जैसे प्लस माइनस, राइट, इस पे क्या होगा, डायपोल क्रिएट होगा, तो उसके बगल वाला जो मॉलिक्यूल है वो दोनों क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि यहां भी क्या आ जाता है, नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो यहां पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, राइट। जिसके कारण क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं या फिर अट्रैक्ट होते हैं। उसको क्यों क्यों होते हैं वो अट्रैक्ट, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के कारण, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं किजोम फोर्स, राइट, किजोम फोर्स। तो ये भी एक वैंडरवाल फोर्स है, राइट। तो हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, जो कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल है। ये कोई फैक्टर नहीं है फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ वैंडरवाल फोर्स। हाँ, ये जरूर है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा जिसके कारण वैंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, बट साइज ऑफ मॉलिक्यूल के कारण वैंडरवाल फोर्स नहीं आता है। वैंडरवाल फोर्स आता है क्यों, क्योंकि जब होता है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, या फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होता है, या फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, तो वैंडरवाल फोर्स ओरिजिनेट होता है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल के कारण ओरिजिनेट नहीं होता है वैंडरवाल फोर्स, बट डिपेंड करता है वैंडरवाल फोर्स साइज ऑफ मॉलिक्यूल के, राइट। डिपेंड करना और ओरिजिनेट करना दोनों अलग बात है, राइट। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। साइज ऑफ मॉलिक्यूल के कारण ओरिजिनेशन ऑफ वैंडरवाल फोर्स, मतलब जो वैंडरवाल फोर्स है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल के कारण ओरिजिनेट नहीं होता है, राइट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, बी होगा और सी होगा, राइट।